हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरा कुछ गला ख़राब हो रहा है, सॉरी उसके लिए। आवाज़ मेरी काफ़ी चेंज आ रही है। और जी आज मंडे है, कल संडे था, बहुत काम थे घर में। और आज भी मंडे है तो मंडे में भी ज़्यादा बहुत घर के काम होते हैं। जी ज़हरा का ऑफ है आज स्कूल का, तो हमारी यहाँ का 8:30 बजे खुली, यानी कि तो मेरे हस्बैंड को भी देर हो रही थी। फिर उनको नाश्ता वगैरह करवाया, वो नहाए और जल्दी से खैर से चले गए काम पे। और अभी बच्चे बाहर खेलने गए थे, मैंने कहा सबसे पहले अपना रूम साफ़ करते हैं, फिर बाकी कमरों की सफाई वगैरह करते हैं। किचन है सब पुराना, और ये देखें मैंने ये बेडशीट चेंज की है। और यहाँ पे देखें कुशन वगैरह रखे हुए हैं। अभी पूरा पलंग कमरा साफ़ करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। और ये देखें पूरा कारपेट वगैरह, और ये देखें रूम मैंने अच्छे साफ़ कर लिया है, पलंग वगैरह। और दिन कोई भी हो, काम तो बहुत होते हैं। अभी कारपेट को अच्छे से साफ छटक के, यानी कि अच्छे से छन के, फिर इसके बाद झाड़ू वगैरह करेंगे। साथ साथ मैं डस्टिंग भी करती जा रही हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और दोपहर का खाना अम्मी बना लेती हैं, थोड़ा सा मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर रात का खाना जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी होती है, तो फिर रात का खाना मैं सबके लिए बनाती हूँ। घर बच्चों के लिए अलग बनता है और हम सब पूरी फैमिली के लिए अलग बनता है। तो कुछ गैस का भी इशू प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता है, जैसे कि कराची में भी गैस की लोड शेडिंग होती है। और ज़हरा यहाँ पे जूस वगैरह पी रही है, नाश्ता कर लिया है ज़हरा ने, फरमान कंपाउंड में खेल रहे अपने दोस्तों के साथ, यानी कि बच्चों के साथ। और यहाँ पर रात में हम गए थे बाहर, और सीवियो गए थे हम सब पूरी फैमिली घूमने के लिए, यानी कि मेरे नंदोई हैं उनके साथ, उनके आयरफ में गए थे। बहुत मज़ा आया, रात का खाना भी हमने बाहर सब ने खाया। और हम असर के टाइम पे गए थे, फिर हम रात में 10:30 देर से आए। फिर बच्चों को सोना था, ज़ाहिर मेरे बच्चों को आदत है जल्दी सोने की, फरमान तो रस्ते में सो गया था। और यहाँ आ जाते हैं, देखें सब चीज़ें इधर से उधर, ज़ाहिर बात है रात में थकावट बहुत हो गई थी, तो मैंने खाली बर्तन रात के धो के फिर हम लोग सो गए थे। और अभी आहिस्ता आहिस्ता कमरे घर की सफाई करते हैं। और कल ज़हरा का पेपर है, कुछ अभी ज़हरा लेके अपनी बुक्स वगैरह पढ़ेगी, फिर ट्यूशन जाएगी, फिर मदरसा जाना है उसको दोपहर को 2 बजे। बस इसी तरह रूटीन चलती रहेगी। और यहाँ पे देखें मिट्टी है, और इस डिवाइडर की भी दोबारा सफाई करने वाली हो गई है। सारी बातें भी करूँगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में। कुछ मेरा गला ख़राब है, उसकी वजह से मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है तबीयत में। दुआ करिएगा आप सब बेहतर हो जाए मेरी आवाज़। और ये देखें यहाँ पे ना भी समेटो कम है घर को, और घर छोटा हमारा जल्दी समेटा भी जाता है और गंदा भी जल्दी हो जाता है। और इस तरह ये देखें, और बराबर वाला रूम भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सब फैला हुआ है, अभी सबको समेटेंगे, बच्चों के चप्पलें वगैरह रखनी है जो कल हमने पहनी थी। तो ये देखें यहाँ पे कारपेट वगैरह सब पड़ा हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रही हूँ, आपके साथ शेयर भी करती जा रही हूँ। और ये देखें यहाँ पे पूरे घर में पोछा वगैरह लगाना है, सरफ़ वाला। फिर सरफ़ वाला पोछा वगैरह लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये इस तरह है, देखें काफ़ी हद तक समेट दिया है मैंने। सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, आवाज़ मेरी ख़राब हो रही है। कल मैंने रात में सिरप भी पिया था, फिर कुछ फ़र्क नहीं आया। बस कुछ मौसम की भी चेंजिंग है, ठंडा पानी तो हम लोग अभी तक यूज़ नहीं किया है। और ये देखें रूम बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ हो गया है, पोछा वगैरह लगा लिया है मैंने। यहाँ पे कारपेट भी छा दिया है ताकि बच्चे खाना वगैरह खाते हैं और बराबर वाले रूम में आ जाते हैं। देखें अभी इस रूम की सफ़ाई होनी है, सब कुछ फैला हुआ है, खिलौने वगैरह, बच्चों के शूज़ वूज़ सब समेटूँगी अभी मैं। और यहाँ ज़हरा के जूते हैं, इसको डब्बे में रख देंगे ताकि मिट्टी बहुत आती है हमारे घर। और ये यहाँ पे रख देते हैं ज़हरा के बॉक्स में जूते, फिर इंशाल्लाह कहीं जाना होगा तो पहनने में काम आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ रख दिए मैंने। वैसे सरफ वाला मैंने पोछा बना लिया, वो सामने फरमान खेल रहा है। और ये देखे फर्श सारा गीला है, और कुछ अंधेरा भी हो रहा है। और भाई आगे कमरे में सारे घर का काम हो चुका है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़हरा मदरसे चले गई है, और फरमान दादों के पास लेटा हुआ है, अभी खाना वगैरह खाएंगे। तो फिर खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम की रूटीन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ये रूम भी बराबर हो गया बिल्कुल।
पूरा साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फरमान थोड़ा सा लेट जाएंगे, और टाइम यहाँ पे 2 बज चुके हैं, हमने खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अम्मी भी लेटी है अपने कमरे में रेस्ट कर रही है, मैं भी अपने कमरे में आ गई। मैं और फरमान थोड़ा लेट जाएंगे, फरमान बस सोता तो नहीं है दोपहर में, बस इधर उधर होता है, खेलता रहता है खिलौनों से, मोबाइल वगैरह चला लेता है। और यहाँ आ जाते, कल मैं मार्केट गई थी तो मैंने यहाँ से ये कपड़ा लिया है, सिल्क का कपड़ा है, और मेरा बहुत दिल हो रहा था मैक्सी बनाने को, तो मैंने ज़हरा के लिए लिया है। आप बताइएगा कि कैसा है ये, जब बनकर आएगा यानी कि तैयार हो के फिर मैं आपको बताऊँगी। और ये मैंने नेट लिए, इसके ऊपर आजकल बहुत इसका फैशन यानी कि इन हुआ हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फैशन में है ये कपड़ा, और जब बनकर आएगा तो आपको मैं बताऊँगी, ज़हरा पहनेगी इंशाल्लाह। और ये मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, और ये अच्छी वाली नेट अच्छी है, यानी कि जब बनेगा तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह, अपने व्लॉग्स में ज़रूर बताऊँगी ज़हरा पहनेगी तो इंशाल्लाह। और इसका कलर ऐसा है कुछ डार्क डार्क पिंक पिंक जैसा है। और ये शाम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे हस्बैंड आ गए ऑफिस से, मगरिब की नमाज़ घर पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने देखे दाल चढ़ा दी है, बच्चों ने कहा मम्मा दाल चावल बनाओ, तो यहाँ पे दाल मेरी बन रही है, और अभी चावल वगैरह धो के भिगा देंगे। और हस्बैंड मेरे कह रहे चाय बना लो, यहाँ पे चाय भी बन रही है। गैस कुछ कम आ रहा है तो मैंने सिलेंडर भी यूज़ कर रही हूँ,